शेरनी हर जानवर का शिकार कर लेती है, लेकिन अपनी संतान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अर्थात माँ कोई भी हो, किसी की भी हो, उसकी संतान चाहे दुनिया के लिए कितनी भी बदसूरत क्यों ना हो, माँ तब भी उससे बेहद प्रेम करती है। शायद यही वजह है कि माँ का दर्जा इस दुनिया में सबसे ऊपर है। सोने के हार के अगर दो टुकड़े कर दिए जाएं, तो दूसरा टुकड़ा तब तक उस पहले वाले टुकड़े का हिस्सा है जब तक कि आप उसे पिघलाकर कोई नया रूप नहीं दे देते। ठीक उसी प्रकार इंसान अपने शरीर के साथ जब तक इस दुनिया में है, तब तक वो उसी का हिस्सा है जो उसे इस दुनिया में लेकर आई थी, जिसे हम सब माँ कहते हैं। एक माँ से उसकी संतान चाहे कितनी भी दूर हो, लेकिन उस संतान को जब छोटी सी भी चोट लगती है तो सबसे पहले कष्ट माँ को ही होता है। जब सारी दुनिया चैन से सो रही होती है, तब एक वो माँ ही है जो सारी रात बेचैन होकर ये सोच रही होती है कि कहीं मेरी बेटी को या बेटे को कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो। दुनिया में हर कोई आपका कष्ट आपके बोलने से समझेगा, लेकिन एक माँ ही है जो बिन बोले आपके हर दुख, आपके हर कष्ट को समझ लेती है।